आगे चलो देखते हैं आफ्टर के अंदर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फाइल में आता है, यहाँ पे मिलता है आपको प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आफ्टर है वो आपके ग्राफिक कार्ड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ जिसके सिस्टम में GPU होगा वो आपको दिखाएगा भाई GPU है, जिसके सिस्टम में GPU नहीं होगा वो इधर पे भी दिखाएगा। ठीक है, अभी ये क्या होता है, जब आप कोई भी आफ्टर पे काम करते हो तो आपका रैम और ग्राफिक कार्ड दोनों सपोर्ट कर रहा होता है, जिससे आपका सिस्टम अच्छा चल रहा होता है। अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हो ठीक है, जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसके अंदर ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर करने में टाइम लगता है, चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को जैसे हम लोग स्पेस बार प्रेस करते हैं, जैसे ग्रीन सी जो लाइन आती है बफरिंग का पूरा पार्ट होता है, वो सब में टाइम लगता है। तो अब चीज़ें अगर आपको सच्ची है तो उसके अंदर आपकी चीज़ें मैनेज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि भाई डिफ़ॉल्ट मीडिया सोर्सेज का क्या है। ठीक है, टाइम कोड का पार्ट होता है, ठीक है, फ्रेम है, ठीक है, आपको देखेगा फ्रेम्स कैसे हैं, कन्वर्जन है, कलर्स है। कलर अगर आप काम करते हैं, जैसे आपसे कल अगर पूछ ले कि भाई आप प्रोजेक्ट पे काम करो और आपका बिट कितना है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई 8 बिट पे काम करना, 32 बिट पे या 16 बिट पे। जब भी आप किसी भी अच्छे स्टूडियो में काम करोगे वहाँ पे पहले मेंशन होगा कि आपको जो काम करना है वो 32 बिट पे काम करना है, 16 बिट पे काम करना है। बिट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, 8 बिट का मतलब 256 कलर्स होते हैं। आइडिया है कि नहीं है? तो हम लोग क्या कि जैसे 2 पे पावर 8, ठीक है, तो 2 × 2 फिर 4 हो गया, 4 × 2 फिर 2 × ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बिट का आपका कलर निकल के आएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे पास चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे कि हम लोग 16 पे काम करने वाले, 32 पे काम करने वाले। ठीक है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया, यहाँ पे देखो अलग अलग वर्क स्पेस एरिया आपके यहाँ पे देखिएगा भाई किस पे आप काम कर रहे हो। जैसे कई जब कैमरे के साथ आप मैनेज करो तो वहाँ पे कई आपकी कैमरे की सेटिंग बाई डिफॉल्ट गिवन होती है, यहाँ पे कोडेक है, चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ आपको मेंशन किया जाता है। तो अगर आपका सब कुछ पहले से प्री प्लान दिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसके साथ मैनेज करोगे भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, सोनी का है, ठीक है, या किसका है, वीडियो किस किस की चीज़ें मिले मेरे को मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग है तो किस टाइप से। तो अगर कोई मेंशन करेगा तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप नन पे भी काम कर सकते हो। बाकी अगर कभी अगर आपको मेंशन करके दिया हुआ है कि भाई फ्यूजी फिल्म का ये है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर उस चीज़ों के बारे में आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे बाई डिफॉल्ट यूज़ करके दे सकते हो। ऑडियो है तो ऑडियो के बारे में देखो तो ऑडियो में, ठीक है, केस डेट आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किस पे काम करना है, ये बेसिक्स आपके पास सेटिंग आपके साथ होता है। एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन कौन सा है, जावास्क्रिप्ट। अभी कई बार डिस्कस करते हैं भाई हम यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्रेशन की क्लास दूंगा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आप यहाँ पे चीज़ों को जो भी आप टाइप करके दोगे, जैसे आपको यहाँ पे क्या होता है लूप आउट होता है, लूप इन होता है। ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो यहाँ पे क्या होता है आप नेक्स्ट लेवल क्या काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लेगेसी भी है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी है, तो ये पूरा पूरा पार्ट होता है जिसको आप यहाँ पे मैनेज करते हो। फिर जाके आपका काम होता है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो आपके पास प्रोजेक्ट सेटिंग क्या होती है। यहाँ पे आप इसको भी देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ठीक है, किसी भी आप वीडियो को ले तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अभी जैसे हम लोग कभी भी कोई वीडियो कॉल करते हैं उस वीडियो के यहाँ पे आपको इन्फो मिलता है, साइज कितना है, ठीक है, कलर्स कितना है, ट्रिलियंस ऑफ कलर्स है यहाँ पे। ठीक है, GoPro सिनीफॉर्म अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, और ये हमारे पास होता है प्रोजेक्ट सेटिंग।